Hello dear students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6. स्टूडेंट मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं. उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना. Today we will start new chapter number 9 algebraic equations and in that we'll solve exercise 9a. So let's start. Question number 1. Determine by substitution if 2 is a root of 5x minus 10 is equals to 0. ये एक इक्वेशन है और रूट मतलब क्या, अननोन वैल्यूज जो होती है ना वो, जैसे यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है कि नहीं वो हमें चेक करनी है. तो ये जो 2 है वो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे. अगर 0 आया आंसर, इसका मतलब इस 2 जो है वो इस x की वैल्यू है. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है. 5x मतलब ही 5 into 2 माइनस 10. सो 0 आया तो यहाँ पे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 है और RHS ऑलरेडी 0 दिया है. यहाँ पे देखो तो ये सेम है, इसका मतलब 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सेम यहाँ पे बोला है 4 है कि नहीं वो चेक करना है. तो 4 की वैल्यू x में पुट की हमने, तो हमें आंसर मिला 5 और RHS भी 5 है. दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो 4 इस इक्वेशन का रूट है. क्वेश्चन नंबर 2. राइट अल्जेब्रिक इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दे, मतलब हमें सिर्फ इक्वेशन लिखना है, सॉल्व नहीं करना है. सो ये मैं आपको यही पे लिख के दूंगी. द कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन इज ₹7 मोर देन दैट ऑफ अ बॉल पेन. एक जेल पेन की जो कॉस्ट है वो बॉल पेन से 7 रुपीज ज्यादा है. इफ द बॉल पेन कॉस्ट ₹8, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जेल पेन. और अभी बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो रुपीज अगर 8 होगी तो जेल पेन की कॉस्ट क्या होगी. तो जेल पेन की वैल्यू हमें पता नहीं, उसको हमने x कंसिडर किया. ओके, फिर -7 इज इक्वल्स टू 8 आएगा. अभी यहाँ पे माइनस क्यों लिया, देखो माइनस इस साइड जाएगा तब 15 आएगा, है ना. और जेल पेन की वैल्यू क्या बोली है, 7 मोर देन बॉल पेन. तो बॉल पेन की कॉस्ट 8 है, तो 8 में 7 करोगे तो x प्लस 15 मतलब ही जेल पेन की वैल्यू हमें मिलेगी. ठीक है, इसलिए इक्वेशन ऐसे आएगा. नेक्स्ट बी. डेजी स्टडीज 8 आवर्स अ डे. इफ शी स्टडीज फॉर 6 आवर्स इन स्कूल एंड यूजेस द रिमेनिंग टाइम टू डू हर होमवर्क, हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड ऑन हर होमवर्क. होमवर्क के लिए हम x कंसिडर करेंगे प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8. ये इक्वेशन आएगा. तो ये समझ में आया आपको अच्छे से. देखो टोटल 8 आवर्स वो स्टडी के ऊपर स्पेंड करती है, करेक्ट. उसमें से 6 आवर वो स्कूल में जाती है, तो 8 - 6 2 आ जाएगा जो वो होमवर्क पे स्पेंड करती है. ठीक है. सी. 5 less than a number x इज 12, व्हाट इज अ नंबर. तो जो नंबर हमें पता नहीं उसको x कंसिडर किया. लेस देन अ नंबर बोला है तो -5 आ जाएगा और इसके बाद जो नंबर रहेगा वो आपको इक्वल टू के बाद लिखना है. ठीक है. डी. 6 मोर देन अ नंबर आर इज 13, व्हाट इज द नंबर. तो जो नंबर पता नहीं उसको x कंसिडर किया. 6 उसमें मोर बोला है इसीलिए 6 ऐड किया एंड 13 इसके बाद 13 है वो इक्वल टू के बाद लिखा. द सम ऑफ 15 एंड नंबर u इज 25, व्हाट इज द नंबर. दो नंबर की जो सम है वो 25 है, तो वो इक्वल टू के बाद ही आएगी. ठीक है. नंबर क्या बोला है, u, तो वो पहले लिखना है एंड किसके साथ बोला है 15, तो u प्लस 15 आएगा. 18 लेस देन अ नंबर p इज 20, व्हाट इज द नंबर. तो 20 इसके बाद 20 को इक्वल टू के बाद लिखना है एंड p -18 आएगा. अ नंबर k प्लस 5 इज 21, व्हाट इज द नंबर. सो k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 21. सिंपल इक्वेशन है. 16 प्लस अ नंबर c इज 22, तो c प्लस 16 इज इक्वल्स टू 22. 7 मोर देन अ नंबर इज 11, सो 7 प्लस x या फिर x प्लस 7 किया तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू 11. जे. 8 लेस देन अ नंबर इज 10, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. द सम ऑफ 7 एंड अ नंबर a इज 12, सो a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12. 6 लेस देन अ नंबर p इज 2, सो p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2. क्वेश्चन नंबर 3. राइट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. चूज अ नंबर x, तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस लिखने हैं। ये जो हमने लिखा था ना, ये इक्वेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन में ना इक्वल टू साइन नहीं आता है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सप्रेशन लिखना है। मल्टीप्लाई इट बाय 4, सो ये हो जाएगा 4x। एड 8, सो 4x प्लस 8। डिवाइड बाय 4, तो 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हमें ऐसे ही नहीं रखना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 4 जाएगा यहाँ पे x, और 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या जाएगा 2। तो ये यहाँ पे क्या बन गया x प्लस 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 बोला है, तो x प्लस 2 माइनस 1। एक्स प्लस 2 माइनस 1 मतलब ही x प्लस 1। अभी ओरिजिनल नंबर क्या है, x प्लस 1 माइनस एक्स। तो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। समझ में आया आपको। चूज अ नंबर x बोला है। एड 3, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4x प्लस 3। ये ऐसे है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 किया। तो ये इसको आप सॉल्व करो, 4x प्लस 4 इंटू 3 12। नाउ सब्ट्रैक्ट 4 बोला है, सो 4x प्लस 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 हो जाएगा। डिवाइड बाय 4, सो 4x प्लस 8 को अपने 4 से डिवाइड किया। देखो यहाँ पे भी हमने सेम किया था, तो हमें क्या मिला था x प्लस 2। नाउ सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे हमारा x, x प्लस 2 माइनस एक्स। सो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2। Next question number 4. Write algebraic equations for the following. You do not need to solve them. Same question number 2 में है, वैसा ही करना है, हमें solve नहीं करना है। Bunty bought notebooks at ₹30 per notebook. He bought notebooks worth ₹960. How many notebook did he buy? So let the numbers of notebook be n. जिसकी value हमें पता नहीं होती है, उनको हम कोई भी एक variable consider करते हैं। यहाँ पे उन्होंने n दिया है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स बी एन, और पर नोटबुक कितना है 30, ओके। एंड टोटल उसने कितने बुक्स बाय किए हैं 960, मतलब इसको आप 3n = 96 ऐसे भी लिख सकते हो। बी 17 मैंगोज आर एडेड टू अ बास्केट ऑफ मैंगोज टू मेक द टोटल 100. How many mangoes were there in the basket before the addition? तो जो टोटल है वो हमेशा आपको इक्वल टू साइन के बाद लिखना है 100. 17 मैंगोज आर एडेड, तो प्लस 17 हो जाएगा, और कितने ऐड किए वो हमें पता नहीं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x। इक्वेशन बन गया। C. From 2 packets of crayons, 5 crayons were removed and now there are 15 crayons in all. How many crayons were there in each packet? The two packets have the same number of crayons. तो यहाँ पे 2 पैकेट से इसीलिए हम 2 ले सकते हैं, और पैकेट्स के लिए x कंसिडर किया, तो 2x हो गया। उसमें से कितने रिमूव किए 5, अभी कितने हैं 15। इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वेशन को जो है ना रीड करना है अच्छे से, तो ही आप इक्वेशन अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। So here our exercise 9A is over. In next video we will solve exercise 9B. Thank you so much.